टीकमगढ़ जिला कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रवादी हनुमत सेना के दिनेश यादव ने मिलावट करने वाले दूध डेयरियों के खिलाफ कार्यवाही करने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। टीकमगढ़ शहर में कुछ दिनों पहले प्रशासन द्वारा मिलावट करने वाले दूध डेयरियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए दूध का सैंपल लिया गया था, जिसमें अमानक पाए गए थे। उसके बावजूद आज दिनांक तक दूध डेयरियों को संचालित किया जा रहा है। राष्ट्रवादी हनुमत सेना द्वारा शीघ्र ही इन प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्रशासन से कार्यवाही करने की मांग की। टीकमगढ़ से मनोज खरे के साथ सुबोध पाठक की रिपोर्ट। आज कुछ जो है युवा वर्ग आया हुआ है कि विगत दिनों में जो दूध डेयरी पे छापेमारी कार्रवाई हुई थी और कम से कम 3 दुकानों के संबंध में जांच कार्रवाई आई है। इनका कहना है कि उसमें जो मानक दर से या खराब प्रकार के दूध का विक्रय किया जाता था, जिसका उपयोग करते हैं, इसमें जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाए। सर, लगातार दूध डेयरियों पर देखने को आया है, नाई तहसीलदार द्वारा लगातार दूध डेयरियों पर कार्रवाई होती है, लेकिन अभी तक उनका निर्णय कुछ नहीं निकलता। हर बार उनके यहाँ से दूध नकली पकड़ा जाता है, घी पकड़ा जाता है, लेकिन अभी तक देखने के लिए जुर्माना तो होता है। सर, जुर्माने से लोगों की स्वास्थ्य पर खिलवाड़ हो रहा है, लोगों की जो दो प्रकार का है, जो शरीर में जो नुकसान होता है गंभीर प्रकार का, केस जो है सिविल कोर्ट में जाता है। अभी इससे पहले भी सर कहा थे, 2 बार कहा, पिछले साल भी हुई। चलिए, इसमें हम कार्रवाई करवाते हैं। अभी घी के भी जब्त किए नायब तहसीलदार द्वारा, उस पर भी अब तक जांच नहीं आई है और पहले भी जांच नहीं आई है, क्या जांच? इसमें जांच कार्रवाई करवाते हैं। जो फूड सेफ्टी वाले हैं, पटेल जी हैं, उन्हीं को ऑर्डर करके हम इसको करवाते हैं। क्या नाम है आपका? मैं दिनेश कुमार यादव, राष्ट्रवादी हनुमंत सेना टीकमगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष। किस चीज़ का ज्ञापन लेने हम लोग शहर में बहुत दिनों से जो बड़ी बड़ी दूध डेयरियां हैं उन पर शासन द्वारा छापा मार कार्रवाई की गई थी, जिसकी जांच जो है भोपाल भेजी गई थी, जांच वापस आ चुकी है, उनकी सभी जांच अमान्य निकली है, मिलावटखोरी है हर चीज़ में। इसके बावजूद भी सुचारू रूप से दूध डेयरी संचालित हैं, चल रही हैं, और वही खराब माल जनता को बेचा जा रहा है। तो हम लोग इसलिए आए थे कि यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दें और उनसे मांग करें कि जो वो गड़बड़ माल बेचा जा रहा है उन डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई हो और मिलावटखोरी से बचा जा सके। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो क्या आगे क्या करें? यदि हमारी ये मांगें शासन नहीं मानता है, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया नहीं, यदि नहीं मानी जाती हैं, तो हम लोग राष्ट्रवादी हनुमत सेना के समस्त कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेंगे और कार्रवाई की जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।